हाय गाइस, दिस इज मी विशाल सिंह और आज हम जो केस करने वाले इसके अंदर एक आदमी ने सिर्फ 3 रुपए के लिए केस कर देते हैं और वो जीतता भी है। तो ये हम केस दे और ये जो केस है ना हम सबके डेली लाइफ से रिलेटेड है। हम जो भी सामान खरीदते हैं मॉल वॉल में इन सबसे तो ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है। और ये आप अगर लीगल बैकग्राउंड तो आपके लिए स्टडी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं हो तो आपके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको कोई राइट्स पता नहीं होता और आपको बेवकूफ बना देते हैं वो। कैसे आप कैरी बैग दे देते हैं जबकि कैरी बैग्स के रूल है ना, इसके बाद आपको पता चलेगा एक कैरी बैग जो देता है उसके पीछे भी रूल्स है जो जजमेंट में आए वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये केस क्या है पहले, तो ये केस का नाम है बाटा इंडिया लिमिटेड वर्सेस दिनेश प्रसाद रतोरी। इस केस के अंदर होता क्या है, जो दिनेश प्रसाद रतोरी होते हैं इनको जूता खरीदना होता है तो ये बाटा के यहाँ से जूता खरीदते हैं। अब बाटा वाला उस जूते का प्राइस होता है 299, इनसे लेते हैं 402 रुपये। ये बोलते हैं कि 3 रुपये मुझसे किस चीज के ले रहे हो, तो वो कहते हैं बाटा वाले कि ये जो 3 रुपये ये आपके पेपर बैग जो है ना ये उसका है। उनको ये बात लगती है बुरी, वो पहुंच जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट। अब कंज्यूमर को कंज्यूमर फोरम में चल जाते हैं कंप्लेंट करने के, तो कंज्यूमर कोर्ट तक पहुंच जाते हैं केस। अब कंज्यूमर कोर्ट में बात ये होती है कि दिनेश प्रसाद जी कहते हैं मुझसे 3 रुपए एक्स्ट्रा लिए, और ये बात सुनकर फिर दूसरी पार्टी को भी बुलाया गया जो बाटा के थे। तो बाटा को रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे वो कहते हैं कि इनसे जो 3 रुपए लिए गए हैं वो कैरी बैग के, और ये जो कैरी बैग है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पेपर बैग है ये, तो इसीलिए इनसे लिए गए हैं। और साथ ही साथ दिनेश प्रसाद जी का एक और एलिगेशन था इनके ऊपर कि जो इन्होंने सामान बैग लिया है, बैग जो मैंने इनको 3 रुपए में बैग दिया, इसके ऊपर साथ में बाटा का लोगो भी, मतलब मैं पैसे भी दे रहा हूँ और इनका प्रचार भी कर रहा हूँ, खरीद रहा हूं तो फिर तुम्हारा प्रचार किस लिए। तो कोर्ट इसके ऊपर नोटिस करता है, जो कंज्यूमर कोर्ट है वो नोटिस करता है कि बात सही है, आप अगर सामान दे रहे हो या पॉली बैग ले रहे हैं तो अगर आपको इन्वायरमेंट कितनी चिंता है तो आप फ्री में दो। पहले तो ये था, अगर आपको इन्वायरमेंट जो बाटा को समझाते हैं, अगर आपको इन्वायरमेंट कितनी चिंता है तो आप लोगों को फ्री में दो एज अ सर्विस, क्योंकि आपके उधर से सामान करते। दूसरी, आप जो बेच रहे हो सामान, जैसे यहाँ पे पेपर भी बेचा ही है, वो पेपर बैग भी बेचा ही है, तो उसके ऊपर आप अपना लोगो नहीं डाल सकते हो। अब बेच के उसके ऊपर लोगो डाल रहे हो तो ऐसे नहीं डाल सकते वो पेपर बैग पे, तो वो इलीगल की तरह ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस आदमी ने कंप्लेंट किया था दिनेश प्रसाद रतोरी, उनके ऊपर ये बात हुई थी कि कोर्ट ने कहा कि इनको 3000 रुपए दोगे आप, बाटा दिनेश प्रसाद को देगा 3000 रुपए फॉर किसके लिए, क्योंकि उन्होंने जो कंप्लेंट किया उसमें उनका क्या हुआ, गया है तो मेंटली डिस्टर्ब हुए, इतना टाइम वेस्ट हो, फिजिकली भी उनको हरासमेंट हुई होगी कि गया कंप्लेंट करे फिर डेट पे गया ऐसे ऐसे जो ना कि बात हो तो सब में जो हुआ उसका 3000 रुपए दोगे, मतलब फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट के लिए 1000 और दोगे, वो किस चीज के लोगे, लिटिगेशन एक्सपेंसिस, मतलब उन्होंने लॉयर रखा या जो जो उनके फाइन भरे, जैसे फीस होती है हर चीज की, जो भी प्रोसीजर होता है कोर्ट के अंदर उसके अंदर कुछ प्राइसेस होते हैं, उसको सबको मिला के आप 1000 रुपीज दोगे और 3 रुपए और दोगे आप। 3 रुपए किसके, ये सारे उनके कंपनसेशन पर, एक्चुअल प्राइस तो उनको मिली नहीं, तो 3 रुपए कंपनी ने बाटा ने ले लिए थे कैरी बैग के, तो वो भी आप दोगे ना वापिस। अगला आता है, अब कंज्यूमर फोरम ने इसके बाद एक और चीज बोला बाटा से कि ये तो हो गया इनका जो कंपनसेशन इनको मिली है, साथ ही साथ उसको एक अच्छा सा सबक भी सिखाने के लिए कि एक एग्जांपल सेट हो, उनसे कहा कि आपको 5000 रुपए ऐसा प्यूनिटिव डैमेज आपको डिपॉजिट करने है, कहां पे, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में चंडीगढ़ के, क्योंकि सारा केस चंडीगढ़ का ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक छोटा सा केस था लेकिन आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी मॉल में जाते हो, आपको कैरी बैग दे देते हैं, उसके ऊपर अपना लोगो भी डाल देता है 15-20 ऐसे से महंगे, क्योंकि मेरे इधर तो इतने देते, तो मैंने सोच लिया आपसे केस कर देंगे, और आपके भी हो और आप उसको बोलो नहीं भाई जजमेंट आया देख तू कंज्यूमर फोरम का, तो इससे क्या होगा आप इसे कर। और अगर आप स्टूडेंट हो और मिडिल क्लास में थोड़ा पॉकेट मनी में फिल्मों में सुनाई देती है तो आपको लगता है कि ये सब हो रहा है, तो कर दो भैया, आप सोसाइटी का भी बेनिफिट कर रहे हो। तो इसी नोट के साथ चलते हैं और नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे कुछ लैंडमार्क केसेस, एक मेनका गांधी, केशव नंदा भारती, इस टाइप के केसेस लेके आएंगे, तो वो देखना, तो हमारे चैनल को करके जाना सब्सक्राइब। और बिफोर साइनिंग ऑफ, हमारे वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज मी विशाल सिंह साइनिंग ऑफ, जय हिंद।